अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉगिंग सीरीज़ की वीडियो नंबर 8 में आज हम कॉन्ट्रैक्ट एस पेज प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर पेजेस को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट एस पेज को क्रिएट करेंगे। आप इधर राइट साइड पर 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आप ड्राइव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप माय ड्राइव पर क्लिक करेंगे। गूगल फॉर्म्स इस पर क्लिक करेंगे। इधर से आप टेम्पलेट से भी अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, वरना आप ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करेंगे। और इधर आप इसे डिलीट करेंगे। इधर आप अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म का नेम टाइप करेंगे। इधर से आप इसे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी किया और इधर ऐसे पेस्ट कर दिया। इसके बाद आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इधर आप इसे डिलीट करेंगे और इधर नेम टाइप करेंगे। नेम टाइप करने के बाद आप इसे रिक्वायर्ड कर दें और प्लस पर क्लिक करेंगे। प्लस पर क्लिक करने के बाद इधर आप ईमेल टाइप करेंगे और इसे भी आप रिक्वायर्ड कर लें। इसके बाद आप प्लस पर क्लिक करेंगे और इधर आप कमेंट और सेमी कॉलन ऐड कर लें। इसके बाद आप इसे भी रिकॉर्ड कर लें। इसके बाद अब हमारा ये फॉर्म रेडी हो चुका है, अब हम इसे सेव करते हैं। तो आपको और भी बता देती हूँ, अगर आपने इसका कलर चेंज करना हो तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कस्टमाइज थीम पर क्लिक करेंगे और इधर से जो आप कलर सिलेक्ट करना चाहते हैं वो इधर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इधर से ये वाला जैसे करती हूँ, ये वाला रेड, और इधर से आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, लाइट या डार्क कर सकते हैं। और इधर से आप फॉन्ट भी इसका चेंज कर सकते हैं। ये इधर फॉन्ट इसका चेंज होगा तो ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे बेसिक ही रहने दूंगी। इसके बाद मैं सेंड पर क्लिक करूंगी और इधर से हम इसका कोड कॉपी करेंगे। इधर से आप इसकी हाइट वगैरह कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वरना इसे कॉपी करें। कॉपी करने के बाद वापस अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आएं और पेजेस पर क्लिक करें। पेजेस पर क्लिक करने के बाद आप न्यू पेज पर क्लिक करेंगे। न्यू पेज पर क्लिक करने के बाद आप इधर कंपोज पर जाएंगे, HTML व्यू पर क्लिक करेंगे। HTML व्यू पर क्लिक करने के बाद इधर आपने जो कोड कॉपी किया था उसे राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे और इधर कंपोज व्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने ऑप्शंस में डोंट अलाउ शो एग्जिस्टिंग इस पर क्लिक करेंगे और इधर अपने फॉर्म का नेम टाइप करेंगे, कॉन्टैक्ट आस। इसके बाद आप इसे पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद इसे आप व्यू ब्लॉक करेंगे। व्यू ब्लॉक करने के बाद इसका ये प्रीव्यू आ गया है। तो प्रीव्यू आने के बाद जैसे आपको जो फॉर्म होगा वो वेबसाइट पर शो होगा, जैसे हमने नेम, ईमेल और कमेंट जो ऐड किए थे वो ऐसे शो होंगे। और साथ में ये सबमिट का बटन है, जो भी आपको ईमेल वगैरह करना चाहते हैं आपके यूज़र्स वो इधर अपना नेम टाइप करेंगे, ईमेल एड्रेस देंगे और कमेंट अपना ऐड करेंगे और सबमिट करेंगे, तो आपकी ईमेल में ये कमेंट जो होंगे वो आ जाएंगे। तो इसके बाद
ये आपने इसका प्रीव्यू दे लिया, अब इस पेज को हम ऐड करेंगे अपने ब्लॉगर में। तो आपने इधर से इसे कॉपी करना है, इस यूआरएल को राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और वापस से हम अपने ब्लॉगर में जाएंगे, इधर से व्यू ब्लॉग करेंगे। तो इधर से मैं आपको दिखा देती हूँ आपके ये जो पेजेस हैं वो कहाँ ऐड होंगे। तो पेजेस जो हैं वो हमारे इधर ऐड होंगे, तो इधर हम अपने पेजेस को ऐड करेंगे। तो आपने इसके बाद लेआउट में जाना है, लेआउट में जाने के बाद वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए, लेकिन आपने कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि मैं कंप्लीट आपको बताऊंगी आपने अपने पेजेस को कैसे क्रिएट करना है। तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो इसके बाद जो हमारे ये वाले पेजेस थे ये टॉप पर हैं, तो इधर ये लिखा भी हुआ है टॉप नेविगेशन। तो इसके लिए आप पेंसिल पर क्लिक करेंगे, पेंसिल पर क्लिक करने के बाद होम अबाउट कॉन्टैक्ट ये वाले पेजेस जो हैं ये हमें इधर शो हो रहे हैं। तो हम कॉन्टैक्ट अस का पेज बना रहे हैं, तो हम एडिट पर क्लिक करेंगे और इसके साथ हम अस ऐड कर देंगे। और ये जो यूआरएल है इसको हम डिलीट कर देंगे, और जो यूआरएल हमने ये वाला कॉपी किया था, सॉरी ये वाला, इस लिंक को हम इधर पेस्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसे पेस्ट करेंगे। इसके बाद हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसे हम रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद अब अगर हम इधर क्लिक करेंगे तो हमें कॉन्टैक्ट अस का जो फॉर्म हमने रेडी किया था वो शो होगा। तो ये देखें ये शो हो रहा है। तो ऐसे ही आपने पहले खुद से कॉन्टैक्ट अस का पेज क्रिएट करना है, तो इसे आप ऐसे लिंक करेंगे इधर टॉप पर। आपके ब्लॉग का जो थीम होगा उसके अकॉर्डिंगली आपके जो पेजेस हैं वो इधर फुटर में ही शो हो सकते हैं। तो हम इधर फुटर से भी जो पेजेस हैं उनको लिंक करेंगे। तो आपके फुटर पर या टॉप पर नहीं हो सकते हैं तो आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं इधर साइड बार में, साइड बार पर। अगर आपको आपके जो थीम है उस थीम में शो नहीं होते हैं तो आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। मैनुअली कैसे ऐड करने हैं वो आपको बता देती हूँ। जैसे आपने इधर साइड बार पर अपने जो कॉन्टैक्ट अस वाले पेजेस हैं वो ऐड करने हैं, तो इसके लिए आप ऐड अ गैजेट पर क्लिक करेंगे। ऐड अ गैजेट पर क्लिक करने के बाद आप इधर से पेजेस पर क्लिक करेंगे, इस पेजेस पर प्लस पर क्लिक करेंगे तो जो पेजेस होंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो इधर से आप खुद से भी पेजेस के जो नेम हैं वो टाइप करने के बाद खुद से भी मैनुअली ऐड करेंगे और इसे सेव करेंगे, तो वो आपके जो पेजेस होंगे वो इधर साइड बार पर भी शो हो जाएंगे। अगर आपके थीम के मुताबिक आपको जो पेजेस हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलते हैं, तो ये मैंने उसके लिए आपको ये तरीका बताया, आप खुद से भी पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे जो जो कॉन्टैक्ट अस का पेज था वो अब क्रिएट हो चुका है, सॉरी पेज फॉर्म क्रिएट हो चुका है। पेज को हमने लिंक किया है अपनी मेन्यू के साथ, टॉप मेन्यू के साथ। तो इसे हम इधर से क्लोज करेंगे। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है प्राइवेसी पॉलिसी। तो प्राइवेसी पॉलिसी के लिए हम इस प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और इधर सर्च बार पर टाइप करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। तो इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये जो वेबसाइट है www.privacypolicygenerator.info जो .info वाली होगी और ग्रीन टिक वाले बॉक्स होंगे, इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। तो इसे ओपन करने के बाद इधर आप अपने वेबसाइट का जो नेम है वो टाइप करेंगे। तो हमारी इधर न्यूज़ की वेबसाइट है तो हम न्यूज़ का नेम ही इधर टाइप करेंगे।
कंपनी नेम में भी वेबसाइट का नेम टाइप करेंगे और वेबसाइट के नेम में भी टाइप करेंगे इसे। इसके बाद हम इधर अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो इधर पेस्ट करेंगे तो व्यू ब्लॉक करेंगे। व्यू ब्लॉक करने के बाद इधर से हम अपने जो वेबसाइट का लिंक है इसे राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और इधर जाके पेस्ट कर देंगे। आपने भी सेम ऐसे ही प्रोसेस करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एडिशन में आप ये कह रहे हैं भी आपकी जो कुकीज़ हैं वो यूज़ करना चाहते हैं तो इधर से आप नो कर दें इसे। इसके बाद ये पूछ रहे हैं आपने गूगल एडसन की जो ऐड वगैरह है एडवर्टाइजिंग करनी है तो यस हमने करनी है क्योंकि हमने ऐड से ही तो अर्निंग करनी है। इसके अलावा वो कह रहे हैं थर्ड पार्टी से भी आप अपनी एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं तो नो, हम नो को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि जब हम गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेते हैं तो हम थर्ड पार्टीज़ के ऐड अपनी वेबसाइट पर नहीं लगा जाते हैं। अगर लगाएंगे तो हमें कॉपीराइट आएगा और हमारा जो अकाउंट होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपने इसे इस ऑप्शन को नो टिक कर देना है, नो सिलेक्ट कर लेना बॉक्स को। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इधर से आप अपनी कंट्री टाइप करेंगे, आपकी जो कंट्री है आप उस कंट्री को टाइप करेंगे। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करूँगी। इसके बाद स्टेट में आप अपने सूबा टाइप करेंगे, आपका जो सूबा हुआ आप वो टाइप करेंगे। मैं इधर पंजाब कर रही हूँ। इसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे। याद रहे आपने अपना ईमेल वो ही टाइप करना है जिस ईमेल एड्रेस से आपने अपनी वेबसाइट क्रिएट की है। तो मैं इधर से अपनी ईमेल को कॉपी करूंगी और इधर पेस्ट कर दूंगी। इसके बाद जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा जो प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज होगा वो क्रिएट हो चुका होगा। तो इधर से हम इसे ये वाला हमारा पेज जो था वो क्रिएट हो चुका है तो इसे हम कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड करेंगे तो हम ये जो कोड होगा वो कॉपी हो जाएगा। इसके बाद वापस से हम पेजेस में जाएंगे। पेजेस में जाने के बाद हम न्यू पेज पर क्लिक करेंगे और इधर से हम HTML व्यू पर क्लिक करेंगे और इधर जो कोडिंग है इसे हम डिलीट करेंगे। इधर राइट क्लिक करेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद वापस से हम इसे कंपोज व्यू करेंगे। कंपोज व्यू करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा लिंक्स इन्होंने दिए हुए हैं इन्हें आप रिमूव कर सकते हैं। इधर से आप डिलीट कर दें और इसके बाद ये जो स्पेलिंग्स मिस्टेक हैं इन्हें आप ठीक कर लें। इसके बाद इस लिंक को भी आप इधर से डिलीट कर दें। ये कंप्लीट इधर से लेके इतना आप डिलीट कर दें। इसके बाद ये हमारा कंप्लीट फॉर्म रेडी हो चुका है तो इधर से हम इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद टाइटल में इसे पेस्ट करेंगे। ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का नेम आ जाएगा। इसके बाद ऑप्शंस में आप इसे डू नॉट अलाउ शो एग्जिस्टिंग इसे सिलेक्ट करेंगे और पब्लिश करेंगे। इसके बाद आप व्यू ब्लॉक पर क्लिक करेंगे। व्यू ब्लॉक पर क्लिक करने के बाद ये जो हमने पेज क्रिएट किया था ऐसे शो होगा। तो इस लिंक को आप इधर से ऐसे
डबल क्लिक करने के बाद पूरे लिंक को HTTPS के साथ कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वापस से लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद आप इसको टॉप नेविगेशन पेंसिल पर क्लिक करेंगे। और इधर से इधर आप लिंक को पेस्ट करेंगे जो हमने लिंक को कॉपी किया था। तो इधर हम यही नेम को कॉपी करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी, इसे इधर पेस्ट करेंगे और सेव करेंगे। इसके बाद इसे भी आपने सेव कर देना है। इसे कॉन्टैक्ट अस को आप ऊपर ले जाएं। इसके बाद आप सेव करें। सेव करने के बाद आप व्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे और इसे प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करें। तो ये हमारा जो फॉर्म था, सॉरी पेज था, वो ऐड हो चुका है। तो आपने भी ऐसे ही इन्हें लिंक करना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो है टर्म्स एंड कंडीशन। तो इसे हम इधर से क्लोज करेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन पेज को क्रिएट करेंगे। तो वापस से हम प्लस पर क्लिक करेंगे। सर्च बार पर हम टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर, इसके बाद ये जो वेबसाइट है इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इधर न्यूज़ टाइप करेंगे। इसे ऐसे सिलेक्ट कर लें, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद वो ही पहले वाला प्रोसेस, कंट्री इधर से आप सिलेक्ट करें। स्टेट में आप अपना सूबा सिलेक्ट करेंगे। इधर से ईमेल एड्रेस और जनरेट माय टर्म्स कंडीशंस इसे क्लिक करेंगे। इसके बाद इसे आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड, वापस से ब्लॉगर में जाएंगे, पेजेस में जाएंगे। पेजेस में जाने के बाद न्यू पेज पर क्लिक करेंगे और इसके बाद वापस से HTML व्यू पर क्लिक करेंगे और ये जो कोड है इसे डिलीट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद वापस से कंपोज व्यू पर जाएंगे। तो इस लिंक को आप डिलीट कर दें, इतनी लाइन को। इसके बाद इधर स्पेस टाइप करें। इसके बाद ऑप्शंस में इसे भी डू नॉट अलाउ सिलेक्ट करें और इसे पब्लिश कर दें। सॉरी, इधर नेम टाइप करें अपने पेज का। तो इधर से हम इसे कॉपी करेंगे और इधर टाइटल में पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद सेम पहले वाला प्रोसेस, इसे व्यू करेंगे और व्यू करने के बाद इसका जो लिंक होगा इसे कॉपी करेंगे और इसे लिंक करेंगे टॉप नेविगेशन के साथ। वापस से लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद टॉप नेविगेशन में पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे और इधर जो हमने लिंक को कॉपी किया था वो इधर पेस्ट करेंगे और इसे इधर से सिलेक्ट करेंगे।
पेज का नेम, टर्म्स एंड कंडीशन, और इधर पेस्ट करेंगे। इसके बाद इस पर आप क्लिक करें, ऐड लिंक करें और इसे नीचे ले आएं। इसके बाद आप इसे भी सेव कर दें। तो इस रिफ्रेश करने के बाद हमारी ये जो टर्म्स एंड कंडीशन का पेज है इधर शो होगा। तो आपने भी सेम ऐसे ही प्रोसेस करना है। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें ये वाला पेज शो होगा, ये वाला ऐसे। तो इसके बाद हम डिस्क्लेमर पेज को क्रिएट करेंगे। तो वापस से सर्च बार पर डिस्क्लेमर जनरेटर, इसके बाद इस वेबसाइट को ओपन करेंगे डिस्क्लेमर जनरेटर को। इसके बाद कंपनी नेम में न्यूज़, वेबसाइट नेम न्यूज़, इसके बाद वेबसाइट यूआरएल ये, और इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप जनरेट माय डिस्क्लेमर, इधर आप अपनी वेबसाइट का नेम देंगे और जनरेट माय डिस्क्लेमर। इसके बाद आप कंट्री में पाकिस्तान को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कॉपी टू क्लिपबोर्ड करेंगे। इसके बाद वापस से पेजेस में जाएंगे। पेजेस में जाने के बाद न्यू पेज पर क्लिक करेंगे और जो हमने कोड को कॉपी किया था वो HTML व्यू में ऐड करेंगे। इसके बाद व्यू कंपोज व्यू किया और ये जो लिंक है इस पूरी लाइन को हम डिलीट करेंगे, क्योंकि ये लिंक है तो लिंक किसी और का अपनी वेबसाइट में ओपन होना नहीं चाहिए। गूगल एडसेंस आपको अलाउ नहीं करता है किसी और का लिंक आपकी वेबसाइट में ओपन हो। तो इसके बाद आप इस लिंक को भी जी पूरी लाइन को आप डिलीट कर देंगे। इसके बाद इसे आप इधर से डिस्क्लेमर को कॉपी करेंगे और इधर टाइटल में पेस्ट कर देंगे। इसके बाद ऑप्शंस में डू नॉट अलाउ शो एग्जिस्टिंग इसे सिलेक्ट करेंगे और पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद इसके भी लिंक को आप कॉपी करेंगे, व्यू ब्लॉक करेंगे। व्यू ब्लॉक करने के बाद इधर से इसके लिंक को हम कॉपी करेंगे और वापस से हम लेआउट में जाने के बाद एडिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो लिंक हमने कॉपी किया था इसे पेस्ट करेंगे और इधर से डिस्क्लेमर नेम को हम कॉपी कर लेंगे, पेज का जो नेम है इसे। इसके बाद इसे इधर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ऐड लिंक करेंगे और इसे नीचे ले आएंगे। आपने भी ऐसे ही इसकी अरेंजमेंट करनी है। इसके बाद आप इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो एक और आपका डिस्क्लेमर का पेज इधर शो होगा। तो ये देखें, स्टार्टिंग में कॉन्टैक्ट अस का पेज जो हमने फॉर्म क्रिएट किया था ऐसे शो हो रहा है। तो इसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज, और इसके बाद
डिस्क्लेमर वाला पेज जो हमने ऐड किया था अपने टॉप नेविगेशन के साथ। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन, तो हमने कंप्लीट पेजेस को क्रिएट कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।